से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, बता दें, यहाँ एक शख्स ने सिर्फ गलत टर्मिनल पर पहुंचने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जी हाँ, बता दें, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ इस वायरल वीडियो में शख्स गलत टर्मिनल पे पहुंच जाता है और इसके लिए वो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को दोषी ठहराता है। इस शख्स का वीडियो देख ट्विटर पर यूजर्स खूब कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मजाक उड़ाते हैं। और इसी बीच एयरलाइन कंपनी भी शख्स को जवाब देती है। बता दें, उज्जवल त्रिवेदी नाम के व्यक्ति ने अपने वीडियो में कहा कि वो मुंबई से बेंगलुरु की यात्रा कर रहा था और उसके टिकट में लिखा था कि उसका प्लेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरेगा। बुधवार सुबह जब वो वहां पहुंचा तो उसे ये कहा गया कि विमान डोमेस्टिक टर्मिनल से जाएगा। अपने वीडियो में वो कहता है कि वो सुबह से परेशान हो रहा है। उसने वीडियो में अपने टिकट को भी दिखाया। बता दें कि इसके बाद उसने फ्लाइट नंबर और डिटेल को स्कैन किया तो पता चला कि बोर्डिंग पास और टिकट में लिखा है कि उसकी फ्लाइट T1 टर्मिनल से थी। आकाश एयर ने ट्वीट किया कि हाय उज्जवल, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आधिकारिक ई टिकट और बोर्डिंग पास पर टर्मिनल की सही जानकारी उपलब्ध है। इसके बाद ट्विटर यूजर ने उज्जवल त्रिवेदी का मजाक बनाना शुरू कर दिया और इस वीडियो में गुस्से में आकर पीएम मोदी और उसका जिक्र किया। जी हाँ, उज्जवल ने इन मुद्दों के बारे में बात किया और पीएम को छोटी बातों का श्रेय लेने आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि आम लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है।